बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यू आर वाचिंग एग्जाम जहांगीर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज यूनिट कंप्यूटर साइंस क्लास टेंथ का सिलसिला हमने शुरू किया था टॉपिक ऑफ़ दिस वीडियो आर द डू लूप स्टेटमेंट हमने ये डिस्कस करना है एंड देन वी विल सी जब हमने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या बॉडी ऑफ द लूप है उसको कम अज कम हमने एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करना हो चाहे हमारा कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो नॉर्मली इससे पहले हमने फार लूप और वॉय लूप को देखा था उसमें हमने बोला था कि कंडीशन चेक होती है कंडीशन ट्रू होगा तो फिर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज नहीं होगा लेकिन डू ऑल लूप जो है इसमें हमारे पास पहले एग्जीक्यूट होता है बॉडी ऑफ द लूप और फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट uh, कंडीशन होता है कंडीशन को चेक किया जाता है अगर ट्रू हो तो फिर दोबारा रिपीट किया जाता है इसका सेंटेक्स सबसे पहले हम डू लिखते हैं डू रिजर्व वर्ड है और इट इज फॉलोड बाई बॉडी ऑफ द लूप अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट हो तो फिर uh, की नहीं है अगर मोर वन हो तो फिर हम करली ब्रेसेस में उसको इनक्लोज करते हैं और उसके बाद हम रिजर्व वर्ड है और उसके आगे हम टेस्ट कंडीशन लगाते हैं और टेस्ट कंडीशन इज एट बॉडी सो सो बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर चेकिंग कंडीशन वही बात की मतलब हमारे पास कंडीशन चेक करने से पहले जो है ना वो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर हमारे पास दोबारा एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर वो आ, हमारे पास क्या हो जाएगा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कम से कम डू वाई लूप के जो स्टेटमेंट होंगे वो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होंगे अच्छा इसके बारे में एक प्रोग्राम है प्रिंट लोअर केस लेटर्स यूजिंग डू वाई लूप आज कोड फॉर लोअर केस लेटर आर इन द रेंज ऑफ 97 टू 122 ये पिछले हमने वाइल लूप में भी देखा था वो जो था सिक्सटी फाइव से था कैपिटल ए स्मॉल ए जो है नाइनटी सेवन से शुरू होता है तो हम इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह हम की कोड जो है ना उसमें नाइनटी सेवन जो है वो स्मॉल ए के बराबर है एक्चुअली नाइनटी सेवन जो है फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और बाइनरी में जो है वो सर्किट को बताता है कि कौन सा सर्किट ऑन है और कौन सा सर्किट ऑफ है इसका प्रोग्राम चेक करते हैं एंटीजर एन हमने एक वेरिएबल uh, एन के नाम से डिक्लेयर किया एंटीजर टाइप का एन इज इक्वल टू नाइन सेवन से स्टार्ट किया डू प्रिंट एफ परसेंट सी मतलब हम करेक्टर टाइप का जो है ना वो प्रिंट uh, करना चाहते हैं आउटपुट में देखना चाहते हैं और एन की जो वैल्यू है एन नाइनटी सेवन नहीं अगर हमने नाइनटी सेवन डिस्प्ले करनी होती तो हम यहाँ पे क्या करते यहाँ पे हम परसेंट डी लिखते लेतेजर में शो करने के लिए लेकिन हम इसका करेक्टर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने परसेंट सी लगाया हुआ है देन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन मतलब एन को एक ज्यादा करो 98 करो फिर जो है 98 का करेक्टर चेक करो वाइल एन इज लेस देन आर इक्वल टू वन ट्वेंटी और ये सिलसिला जो है जब तक एन की वैल्यू जो है 122 ट्वेंटी की इक्वल या मतलब उससे बढ़ती नहीं है तब तक जो है ये रिपीट होता रहेगा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जेड हमें नजर आ रहा है अच्छा अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करें मिसाल के तौर तो पर परसेंट सी की जगह पे परसेंट डी मैंने लगा दिया अब मुझे क्या नजर आएगा अब मुझे ये जो आ, हमारे पास एंटीजर टाइप के हैं 97 से 122 तक नजर आएंगे ये देखें 97 98 एक छोटी सी चेंजेस से कितना बड़ा चेंज आया दोबारा जो है मैं परसेंट सी करता हूं कंपाइल एंड रन करता हूं अब देखिए फिर ए बी सी डी टू जेड नजर आ रहा है सो दिस इज उसके बाद हम बात करते हैं कि वॉट इज दिटवी फर्क क्या है पहला फर्किया फर्क है आ, वो यहाँ से शुरू होता है कि हम टेस्ट कंडीशन को कहाँ पे प्लेस करते हैं जिस कंडीशन या टेस्ट कंडीशन ने हमारे लूप को कंट्रोल करना है उसको हम कहाँ पे रखते हैं जब लूप इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप में ये स्टार्ट ऑफ द लूप मतलब जहां से लूप स्टार्ट होता है उधर जो है हम टेस्ट कंडीशन रखते हैं जबकि हमारे पास कंट्रोल कंट्रोलिंग कंडीशन जो होता है डू लूप में वो बॉडी ऑफ द लूप के आखिर में बॉडी ऑफ द लूप जब खत्म हो जाती है आप लोगों ने syntax में भी देखा वहां पे आखिर में आता है और हमारे पास वॉय लूप जो है इसको प्री टेस्टेड लूप कहते हैं प्री की पहले मतलब पहले टेस्ट किया जाता है फिर लूप चलता है जबकि हमारे पास डू वायल लूप जो है पोस्ट टेस्टेड है मतलब पहले लूप चलता है फिर उसके बाद टेस्ट किया जाता है और मिनिमम आइट्रेशन हमारे पास अगर कंडीशन फॉल्स होगी दोनों सूरत में हम बात कर रहे हैं वायल की सूरत में हमारे पास क्या होगा फिर हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब पहली दफ़ा जो है ना वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जबकि डू वायल लूप में अगर कंडीशन आपका फॉल्स होगा भी तो भी एटलीस्ट वन टाइम जो है वो ज़रूर जो है ना बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी दोनों का सेंटिक्स है वायल कंडीशन और स्टेटमेंट्स डू स्टेटमेंट्स और आखिर में वायल उसके बाद हम बात करते हैं नेस्टेड लूप की नेस्ट के मानी हमने इससे पहले एफ एल्स वाले जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने बात की थी नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर किया उसकी तो यहाँ पे भी लूप में जब आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल करते हो तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं आप किसी भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल कर सकते हो मिसाल के तौर तो पर फार के अंदर वायल वायल के अंदर डू वायल तो एक लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी भी दो प्रोग्राम हैं प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम कुछ नंबर लेते हैं और उनका जो मल्टीप्लीकेशन बनता है उनको हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं <coughs> हम वो करते हैं आ, प्रोग्राम बनाते हैं सो लेट्स चेक द प्रोग्राम हमने दो नंबर लिए जे और के और उसका प्रोडक्ट लिया अब हमने जे के लिए एक लूप लेका और फिर उसी के अंदर के के लिए भी एक लूप लेका तो अब हमने क्या करना है जे की जो वैल्यू है वो के की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा जे मल्टीप्लाई के तो हमारे पास वन वन है तो वन मल्टीप्लाई वन और वो वैल्यू हम किसको दे रहे हैं प्रोडक्ट को दे रहेगा तो मतलब दूसरी दफा जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू तो वही रहेगी जब तक ये लूप जो है फोर टाइम पूरा अंदर वाला लूप जब तक खत्म नहीं होता ऊपर वाला चेंज नहीं होता तो हमारे पास अंदर वाला जो के वाला लूप है यह चलेगा फोर टाइम रिपीट होगा जब ये फॉल्स हो जाएगा फिर ऊपर जो है वो ऊपर वाले लूप पे चला जाएगा जे की वैल्यू टू हो जाएगी फिर के वाले पे आएगा और ये फिर फोर टाइम रिपीट होगा फिर जब फोर टाइम रिपीट होने के बाद हो जाएगा तो ऊपर वाले जे पे फिर फिर चला जाएगा और वहां से क्या होगा जी की वैल्यू थ्री हो जाएगी फिर के में आएगा और के वाला फिर फोर टाइम रिपीट होगा जब ये फॉल्स हो जाएगा फिर जो है ना जे में चला जाएगा जब जे में चला जाएगा जे की वैल्यू फोर हो जाएगी कंडीशन वहां पे भी फॉल्स हो जाएगी और फिर हमारा ये लूप दोनों लूप जो है वो

जे और के पहली वैल्यू जे की होगी जे की वैल्यू वन है के वैल्यू वन है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी प्रोडक्ट की वैल्यू भी वन है फिर के की वैल्यू टू हो जाएगी तो फिर हमारा वन जे की वैल्यू वही वन है टू और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में टू आएगा के की वैल्यू थ्री हो जाएगी प्रोडक्ट में वही आ, वन मल्टीप्लाई थ्री से थ्री आता है तो थ्री आएगा फिर हमारे पास जे की वैल्यू वन है के की वैल्यू फोर हो गई ये फोर आएगा अब जब ये फॉल्स हो गया तो फिर ऊपर जे पे चला गया जे की वैल्यू वन से टू हो जाएगी और ये फिर फोर टाइम वन टू थ्री फोर से मल्टीप्लाई हो गया उसके आंसर यहाँ पे नजर आ रहे हैं फिर जब ये फॉल्स हो जाएगा फिर जे पे चला जाएगा जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी और फिर यहाँ पे फोर टाइम रिपीट होगा जो है ना उससे मल्टीप्लाई होकर उसका जो जवाब है यहाँ पे नजर आएगा सो दिस इज वन प्रोग्राम एंड अनदर प्रोग्राम दैट इज कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीजर्स फॉर ईच इंटीजर फ्रॉम वन टू एन मतलब हमने करना क्या है हमने इंटीजर्स लेने हैं यूजर से कोई नंबर लेना है एन लेट्स सपोज उसने फाइव एंटर किया तो हमने क्या करना है सम को हमने पहले जीरो लेना है तो सम को वन आ, वो, वन के साथ जमा करें तो वन आएगा मतलब हमारा जो सम भी वन हो जाएगा और आ, हमारा जो इंटीजर है वो भी वन है फिर उसको हम बढ़ाएंगे टू हो जाएगा अब सम की वैल्यू वन है टू प्लस वन से हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा फिर सम के साथ जमा होगा सम की वैल्यू थ्री है इधर भी थ्री है थ्री प्लस थ्री से सिक्स आएगा फिर हमारे पास सम की वैल्यू सॉरी नंबर जो है फोर हो जाएगा सम की वैल्यू सिक्स है सिक्स प्लस फोर से टेन आएगा फिर जो है हमारे पास एन की वैल्यू फाइव हो जाएगी वो तो काउंटर वेरिएबल है मतलब बढ़ रहा है आगे उधर टेन है टेन प्लस फाइव से हमारे पास फिफ्टीन आएगा तो इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है लेट्स चेक इट ये हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं इंटीजर जे के और जे के जो है वो लूप चलाने के लिए है सम, आ, सम को रखने के लिए और एन जो है वो वो नंबर होगा जो यूजर जिसके सम मालूम करना चाहता है

Is equal to हमने स्टार्ट किया, value है. और फिर यहाँ पे क्या है के इज इकल टू वन और ये K उस वक्त तक चलेगा जब तक वो जे से लेस है मतलब फर्स्ट टाइम वन है तो वन है तो वन टाइम चलेगा फिर दूसरी दफा जो है वो टू है तो टू तक चलेगा के प्लस प्लस सम इक्वल टू सम के साथ K के की वैल्यू जमा हो जाएगी और फिर यहाँ पे जो है हमने इसको आउटपुट में दिखाने के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाया है सो लेट फ्रेन लेट प्रोग्राम अपर लिमिट मिसाल के तौर पर मैं सिक्स देता हूं अब देखें वन जीरो प्लस वन इक्वल टू वन अब सम की वैल्यू वन है वन प्लस टू इक्वल टू थ्री थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स सिक्स प्लस फोर इज इकल टू टेन टेन प्लस फाइव इज इकल टू फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सिक्स इज इकल टू ट्वेंटी वन इसके लिए हमने यह प्रोग्राम बनाया है सो दिस इजेड लूप थैंक्स फॉर वॉचिंग एनी क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन कमेंट्स अगर आपका कोई वो है इसी तरह हमारे पास जो टेंथ क्लास में सी लैंग्वेज का जहाँ तक कोर्स है यहां तक हमारा कवर हो जाता है इनशाला हमारा सिलसिला जारी रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज